चुनावी चुनौतियां राजनीतिक पार्टियों को अक्सर कुछ नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्पायर करती हैं। कांग्रेस का महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के लिए दर्जन भर से ज्यादा सीनियर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है और ताजा भी। हरियाणा में हार के बाद महाराष्ट्र और झारखंड का सियासी किला फतह करने के लिए कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही राज्यों में क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए कांग्रेस ने 14 नेताओं को वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। कांग्रेस ने जिन 14 नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया है उनमें 3 पूर्व सीएम हैं। इनमें अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी का नाम शामिल है। कांग्रेस ने महाराष्ट्र को 5 जोन में बांटकर पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। अशोक गहलोत और जी परमेश्वर को मुंबई और कोंकण जोन का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी तरह सचिन पायलट और उत्तम रेड्डी को मराठवाड़ा, भूपेश बघेल और चरणजीत चन्नी के साथ उमंग सिंघार को विदर्भ, टीएस सिंहदेव और एमबी पाटिल को वेस्टर्न महाराष्ट्र और नासिर हुसैन और ए सितखा को नॉर्थ महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। यूपी कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे और कांग्रेस के कद्दावर महासचिव मुकुल वासनिक की भी महाराष्ट्र में तैनाती की गई है। वासनिक और पांडे को स्टेट इलेक्शन कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। दोनों महाराष्ट्र से ही आते हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव को गंभीरता से लिया है। पार्टी किसी भी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। झारखंड में भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को चुनाव के दौरान तैनात कर सूबे के नेताओं को साफ संदेश देने की कोशिश की है कि जमीनी हकीकत से परे उनके दावों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पार्टी हाईकमान चुनावी रणनीति को अपने स्तर पर डावाडोल नहीं होने देगा। कांग्रेस पार्टी के मुताबिक सांसद तारिक अनवर, पूर्व केंद्रीय मंत्री अधीर रंजन चौधरी और तेलंगाना के डिप्टी सीएम भाटी वी मल्लू को झारखंड का वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों के ऐलान के तत्काल बाद कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से इन चुनावी नियुक्तियों की घोषणा की गई थी। बात महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की करें तो एक तरफ सत्ताधारी एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस राज्य में अब की बार किसकी हवा है ये जानने के लिए हर कोई उत्साहित है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों के आधार पर बात की जाए तो विपक्षी गठबंधन इंडिया का पलड़ा फिलहाल भारी नजर आ रहा है। 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो उस चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, कांग्रेस को 44, एनसीपी को 54 सीटें मिली थी। इस चुनाव में बीजेपी को 37%, शिवसेना को 19%, कांग्रेस को 15%, एनसीपी को 18% वोट मिले थे। वहीं बात झारखंड की करें तो पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों के लिए मतदान होगा। दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। राज्य में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 42 सीटों का है। 2019 के विधानसभा चुनाव में 30 सीटें जीतकर जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही और उसे सत्ता से बाहर होना पड़ा। कांग्रेस को 16, झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक को 3, आजसू को 2, आरजेडी सीपीआई एमएल और एनसीपी को 1-1 सीटें मिली थी। 2 निर्दलीय भी जीते थे। झारखंड में 2019 में एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी सरकार के खिलाफ थी। इस बार हो सकता है कि ये एंटी इनकम्बेंसी हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ हो। बता दें कि महाराष्ट्र में 2 बड़े गठबंधनों के बीच सीधी टक्कर है जबकि झारखंड में जेएमएम को अपनी साख बचाने की चुनौती है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, झारखंड में 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे। इन दोनों ही राज्यों के चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित होंगे। अब मतदान में लगभग 1 महीने का वक्त बचा है, ऐसे में सभी दल जोर शोर से आगे की कवायद में जुटते हुए नजर आएंगे जिसके लिए कांग्रेस ने अभी से कमर कसनी भी शुरू कर दी है। तो आपके हिसाब से इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में किसकी सरकार बनेगी, क्या आपकी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।